जी मैं राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा डॉक्टर सूफी संत एम के चिश्ती। आज रोज ये यहाँ के चुनाव प्रभार के विशेष जिम्मेदारी के रूप में मेरा यहाँ सिलवास आना हुआ। सिलवास में यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की जो कलाबिंद मोहन भाई डेलकर है, उनका जो प्यार है, लोगों को जो उनके प्रति विश्वास है, सभी वर्ग सभी समाज के लोगों का, वो अद्भुत है। और जैसे उनके स्वर्गस्थ पति जी की राह पर इस मतबा वो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट बनी है, तो हमारे यहाँ पे दीव दमन में सिलवास के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। मेरी दाई तरफ जो है ये शौकत भाई मिठानी जी जो बैठे हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दमन के मेयर रह चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि वहाँ का मेयर बनना और भारतीय जनता पार्टी के एक अल्पसंख्यक बनने में, तो इसका मतलब है अल्पसंख्यक समाज के लोग पहले से ही सेलवास में दमन में जुड़े हुए हैं। और कैंडिडेट भी इतने अच्छे, जो अब इस मतलब सद्भावना के प्रतीक हमारे लोकप्रिय वडाप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने कलाबिंद को पसंद किया है। तो मैं देख रहा हूँ कि आज आपने खुद ने देखा होगा कि बड़ी तादाद के अंदर जो विद्वान मुस्लिम है, जो पढ़े लिखे समझदार और जो संत टाइप के लोग हैं, ऐसे अच्छे लोग और बड़ी महिलाओं की तादाद में आज यहाँ पे आए। और जो मुझे रिपोर्ट मिला है तो यहाँ पर मुस्लिम समाज का जो है वो जबरदस्त वोटिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कलाबिंद के पक्ष में होने वाला है। यहाँ के हमारे महामंत्री जो कार्यक्रम के आयोजक जो मुश्ताक भाई तवावाला, मेरे साथ प्रभारी जो यूनुस भाई है और पूरी टीम जो है वो यहाँ पे काम में लगी हुई है। आज मैंने जो हिसाब दिया वो ये दिया कि एक तरफ जो कांग्रेस का शासन है कि मुस्लिम समाज ने, अल्पसंख्यक समाज ने कांग्रेस पे भरोसा किया, आज़ादी से लेके करीब 50 साल तक राज किया। नवंबर 2006 में जो वडा प्रधान मनमोहन सिंह की सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया तो पता चला कि 5 दायके तक मुस्लिम करने वाली कांग्रेस पार्टी महिला बनने वाली, लेकिन उसने विकास का कोई काम नहीं किया। सिर्फ 2% लोगों को नौकरी मिली, 14% बस्ती थी, फिर भी उनको एजुकेशन नहीं दिया, 51% एजुकेशन लिटरेसी रेट जो था निरक्षरता थी, एजुकेशन लिटरेसी रेट बिल्कुल कम था। उससे आगे बढ़ो तो 45% लोग, 45% लोग कांग्रेस के राज में मुस्लिम समाज झुपड़पट्टी में रहता था। इससे आगे चलो तो कांग्रेस ने हमेशा क्रिमिनल और कट्टरपंथियों को प्रोत्साहन दिया और ये परिस्थिति हो गई कि 40% मुस्लिम समाज जेल में था, ये खुद कांग्रेस सरकार का रिपोर्ट ये कहता।